अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे के लोको कारखाने में बुधवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक निलंबित रेल कर्मचारी ने कारखाने में मिर्च वाला स्प्रे छिड़क डाला। स्प्रे की गैस ने कारखाने में कार्यरत लगभग 20 कार्मिकों की तबियत बिगाड़ दी। तत्काल साथी कर्मचारियों की मदद से पीड़ित कर्मचारियों को रेलवे अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने जलन से पीड़ित कार्मिकों का तत्काल इलाज शुरू कर दिया। पीड़ित कार्मिकों ने बताया कि स्प्रे की गंध से उनका जी मिचलाने लगा और अधिकतर कर्मचारियों ने उल्टियां शुरू कर दी। वहीं कुछ कर्मचारी आंखों की जलन से परेशान हो गए। अस्पताल में सभी को एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगाए गए। उसके आधा घंटे बाद सबको राहत मिलनी शुरू हुई। कर्मचारी नेता भूपेंद्र भटनागर ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा कर्मचारी विनीत कुमार गुप्ता पहले भी अपनी कारगुजारियों के चलते 2 बार निलंबित हो चुका है, बावजूद इसके बेजा हरकतों से बाज नहीं आता। हम जब अटेंडेंस करवा रहे थे तो कोई स्प्रे जैसी कोई चीज़ आई और हमारा जी खराब हुआ। हमने उल्टियां करना चालू कर दिया। उल्टी इतनी हुई कि यहाँ तक हॉस्पिटल में भी आकर के उल्टियां उल्टियां होती रही। ये विनीत गुप्ता है कोई, विनीत गुप्ता उसने किया, उसको समझाने गया उतनी देर में तो मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। 12:30 बजे के आसपास विनीत गुप्ता नामक एक डीजल मैकेनिक है जो लगातार पिछले 2 महीनों से इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। हर रोज़ कर्मचारियों से झगड़ा करता है। उसको 2 तो प्रशासन ने मेजर पेनल्टी दे दी है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के अभाव में वो आज पेपर स्प्रे जो अभी संसद में किया था किसी सांसद द्वारा, वैसा स्प्रे ला करके कारखाने के अंदर 11 बजे जो नाइट ड्यूटी वाले लोग आए थे उनके ऊपर छोड़ने का काम किया और उससे इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में मैं लेके आया हूँ इन कर्मचारियों को यहाँ स्टाफ कार में के कुछ भी हो सकता था इनके साथ। 2-3 की तो ECG खराब हो गई, हार्ट में पेन होने लग गया, उल्टियाँ वॉमिटिंग चक्कर आने लग गए। यहाँ पर आने के बाद में हमने सूचित किया, सारे डॉक्टर एक साथ लग करके और इन सबको रिलीफ दिलाने का काम किया है। तो जब ये विभाग से कर्मचारी आए और इन्होंने बताया कि बोले हमारे जो है आँखों में जलन मच रही है, गले में चुभन हो रही है और वोमिटिंग हो रही है, मैंने कि क्या बात हुई, तो बोले एक विनीत कुमार गुप्ता लड़का है, उसने इस तरीके का स्प्रे किया है और बहुत हमें घुटन सी महसूस हो रही है। तो मैंने इनकी बात को सुना और सुनने के बाद जो है जिस जगह उसने स्प्रे किया था उस जगह जाने गया, लेकिन वहाँ तक पूरा पहुँच नहीं पाया था। उससे पहले ही मुझे खुद जलन महसूस होने लगी और वोमिटिंग होने लगी। तो फिर उसके बाद मैं एम्बुलेंस के द्वारा जो है हम यहाँ रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद में इन्होंने इंजेक्शन लगाए 2-2। उसके आधे घंटे के बाद में हमें कुछ रिलीफ मिला है। क्या मानते हो? मुख्य कारखाना प्रबंधक सुधीर गुप्ता ने पूरे मामले पर सहृदयता का परिचय देते हुए इसे कारखाने का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी भी हमारे परिवार का सदस्य है और कर्मचारी भी हमारे परिवार के हैं। मानसिक तौर पर परेशान चल रहे हमारे ही कर्मचारी ने स्प्रे छिड़क दिया जिससे कुछ लोगों की तबियत बिगड़ी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे कोई कर्मचारी इस तरह की घटना को ना दोहरा पाए। ये हमारे कारखाने के कर्मचारी द्वारा किया गया ये घटना इस तरह की, जैसे घर में कोई एक घर का मेंबर कभी खराब इंटेंशन से नहीं लेकिन कोई मिसबिहेवियर कर देता है, उस तरह की घटना है। हाँ, लेकिन इस घटना को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं इस तरह से कि भाई ये कोई एक साधारण घटना हो गई, क्योंकि इसमें 11-12 लोग अफेक्ट हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और अभी तुरंत कोशिश ये की गई है कि वो अंदर ऐसी जगह में जाके काम ना करे जहां वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसको रहना पड़े और उस तरह का कोई दोबारा वो इस तरह का एक्शन रिपीट कर सके। और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो उस पर की जा रही है और कुछ पता चला है कि उसने पहले भी कुछ इस तरह के मिसबिहेवियर किए हैं तो उसको पहले भी अनुशासन चार्जशीट वगैरह दी गई हैं। अब हम उसको शीघ्र फाइनल करके और लोगों से अवॉइड करेंगे, उसको सुधर जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो स्टर्न कार्यवाही है वो भी करनी पड़ेगी।